को इतना एंजॉय कर लिया हमने कि सुबह उठा नहीं जा रहा, तो आज इतने लो फील कर रहे ना, मर मर के एनर्जी म्यूजिक कर लो फिर कॉपीराइट आएगा। सर हमारे लैपटॉप पे लगे हुए हैं, मैंने कैसे मर मर के आज वर्कआउट किया ना मुझे पता है, हिम्मत नहीं हो रही थी बट स्टिल मैं गई, मैं जाना है जाना है, बिना कुछ करे भी थक गया। अब रिदान को लेने जा रहे हैं हम स्कूल, देन फिर घर के काम आ जाना है, डी मार्ट इसकी ट्यूशन पता करनी है, आज सर टेंथ में है तो इनकी पढ़ाई का ख्याल रखते हुए आज हम वो पता करने जाएंगे। बहुत हो गई ऐश, पढ़ो अब, पढ़ो अब। का ABCD गाड़ी में पड़ा है, सर वो ना आ रहा दछो मेनू है, चौल इदा कौन खांदा है मत्थे ते ला ला के, हां अच्छा चौड़ी चौड़ी तू कितना सिखिया है, देखी बाल खींचना पापा नु देख के किदा उछल जाती है, देखी 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 हाय नी ओए 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 अरमान जी के साथ, मैं अरमान जा रहे हैं डी मार्ट, और डी मार्ट हमारे घर से कोई हाफ एन आवर का डिस्टेंस है, वह पैसे के बचाने उन लैस पेट्रोल को क्यों बट दिल को तसल्ली होती ना वो, वाह ठीक है हम पहुंच गए डी मार्ट। तो ये हो गई हमारी डी मार्ट से शॉपिंग, इन्हू भी खरीद लिया से ते इन्हां नू भी बेल्टा भी लगाती है समान फोटो खिंच रही है ना, इसलिए मैं टेंशन है कल कुछ भी होगी तो सानू भी पता होना चाहिए। समान ऊपर चढ़ा के घर आके अब मैं बैठी हूँ, चंगू मंगू के शाज मेरी चोनिया मेरी लाडो यस चम 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 चम, और दूसरे जनाब हमारे कूलर के साथ लगे हुए हैं। हाँ जी अब मैं ऐसा नहीं करूँगी अभी, ठीक है फिर मैं मिजराब के साथ सो जाऊँगी, ठीक है फिर मैं मिजराब के साथ सो जाऊंगी ना, वैसे भी आप दोनों भाई बहन घूमते हो। अच्छा चलो भाई तीन तो पापा आ जाएंगे। कौन सा पापा तेरे बड़ा पापा नहीं होता, कौन से पापा बड़े पापा तो जलंधर गए हैं बड़ी मम्मा साथ, बड़े हमारे ये भी पापा आएंगे, ये भी पापा आएंगे किसका है तेरे पापा, जल्दी करो ना सास खाते भी हैं, पानी तो लागे रख दो ना, यही प्रॉब्लम है पानी पीता रहता रोटी घट खाता फिर, चलो 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 और चबा के खाना है, ऐसे सीधा ढा दी नानू नू हलवा बना के दिता ही शीतल ने कल, मैंने हाथ के साथ ऐसे खाना ऐसे ऐसे अभी ये वो कड़ी वो कड़ी खाते हाँ, मम्मा दीदी बुलांदा पे, हाँ जी क्या चाहिए अरमान, ग्लास दे दी मम्मा प्लीज, रोटी खाना पे हाँ, एक और भी मिर्ची लग रहा है क्योंकि पानी आपके पास पड़ा ना, आपको मिर्ची लगती रहेगी अभी, जल्दी 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 फिनिश करेंगे फिनिश फिनिश ऐसा कौन खांसी करता है, चलो लास्ट बाइट फिनिश करना है हमने, बस एक लास्ट बाइट, चलो ठीक है फिर मैं मिर्जू को खिला देती हूँ तो फिर एक खा लो, थोड़ा ये हाँ गुत की है गुत, अब कल है मेरी रिहर्सल्स, कल है मेरा फिर से लुक टेस्ट नए शो का, बादल पर पाँव है जो सोनी सब पर आने वाला है उसका,
तो ये दो काम है। कल मैंने नृत्य करने जाना है, नृत्य। अब हम सैर करने जाएंगे। हम घर जा रहे हैं। यस, चलो घर जा रहे हैं। नहीं जाना यार। का ना फोन ले लिया गया है क्योंकि इसको सहेली के साथ गप्पे मारने आते हैं, और अब इसको फोन जब ले लिया अब ये आएगा। पहले नहीं तो बोलते मैं नहीं सैर करने जाना। अरमान चलो 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 बाहर आओ आओ। हाँ जी सहेलियाँ यार तुम गल्लां करनी होंगी ना। नहीं कह रहा मून में सोना। मून में सोते थोड़ी है, मून पे देखते हैं। मून में सोना, मून को देखो दूर से देखो। ठीक है ठीक ओके नहीं ना है ये दोनों है की लेना सोन दा दसो जरा। चलो अब सोएंगे प्लीज यार ये उठाओ ना अभी। हेलो सत श्री अकाल, हम हो गए हैं तैयार और हम जा रहे हैं जी। मृदु जाएगा स्कूल और अरमान जी हमारे साथ। उसके बाद अरमान जी की ट्यूशन पता चल चुकी हैं, शाम से ट्यूशन है। सो हैप्पी कि ये पढ़ेगा। और आज मुझे जाना है रिहर्सल्स पे, आज मुझे जाना है लुक टेस्ट के लिए। ये दो जरूरी काम है। ओके सो फिलहाल अभी ये सब ही चल रहा है। ये मैं आज की व्लॉग में डाल रही हूँ क्योंकि मैं लोगों से बात करना चाहती थी, जो लोग कनेक्ट होते हैं, जो मुझसे पूछ रहे थे डाइट का। मॉर्निंग में मतलब अगर शाम को मैंने 8 बजे खाया तो नेक्स्ट, बीच में मैं कुछ नहीं लेती रात को, फिर नेक्स्ट 10-11 बजे के करीब वर्कआउट करके प्रोटीन शेक पीती हूँ, जिसमें मेरे एक बनाना होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं और प्रोटीन होता है, प्रोटीन पाउडर। लेकिन मैं वाटर में लेती हूँ, लोग मिल्क लेते हैं, मुझे नहीं लेना क्योंकि उससे मुझे फैट बढ़ जल्दी आएगा और मुझे नहीं चाहिए अभी। और फिर घर जाके काम वाम करके फ्रेश होके मैं थोड़ा सा पोहा खा लेती हूँ। एक टाइम मील मैं थोड़ी अच्छी लेती हूँ क्योंकि मैं इतनी भी ज़्यादा डाइट नहीं करती, क्योंकि मैंने शुरू से कभी आज तक डाइट नहीं की है, तो एकदम से भी मैं कंट्रोल नहीं करती। जो 8 परांठे खाने वाला बंदा डाइट कर रहा है वही बहुत बड़ी बात है। सो फिर मैं, हाँ ये है कि मैं आटा चावल नहीं खा रही, तो मैं ओट्स का आटे की चिल्ला बनवा लेती हूँ या ब्राउन राइस खा लेती हूँ, जो सब्जी दाल बनी होती है उसके साथ, और सैलेड, सैलेड ज़रूरी है। मैं बीट रूट लेती हूँ, कोकम्बर लेती हूँ। एंड देन रात को अगेन, जैसे मैंने परसों दाल पी ली थी, कल मैंने आफ्टरनून में मील नहीं लिया था, तो मैंने रात को चिल्ला बनवा लिया था ओट्स के आटे में, बीट रूट ये सब वो ग्राइंड करके अच्छे से आटा बना के, उसकी जैसे बिना घी लगाए रोटी, पतली पतली चिल्ला का सब। फिलहाल ये डाइट है, बीच में एक टाइम कोई फ्रूट ले लेती हूँ थोड़ा बहुत। अब मेरे नीज पे पेन आता है हल्का फुल्का, तो मुझे मेरे ट्रेनर ने कहा कि आप वॉलनट ज़्यादा खाया करो, अगर आपको एलर्जी नहीं है, कुछ लोगों को एलर्जी होती है तो वो खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स बीच में थोड़े ले लिए। सो ये सब है फिलहाल। प्रॉपर वाला डाइटिंग अभी नहीं है क्योंकि मुझसे कंट्रोल नहीं होता, ये कर रही हूँ ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए।